अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। जो अभी का लेक्चर है, आज का लेक्चर जो है, इंशाल्लाह जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का आपको इंट्रोडक्शन देना है। प्रोबेबिलिटी एज सच इस लेक्चर में डिस्कस होगी नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें डिस्कस करनी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो स्टूडेंट को पता नहीं होती। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देते हैं, फिर हर क्वेश्चन के अंदर अगर वर्ड आ रहा है तो बच्चे परेशान हुए हैं क्या चीज है। और इसके अलावा ईकेट पे कुछ आप अलग टर्मिनोलॉजी सुनते हो, तो मैं सबको कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको नजर आएंगी ना, कोई बहुत छोटी मोटी है उधर इंशाल्लाह हम लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। जितनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं जो स्टूडेंट को तंग करती हैं, वो इंशाल्लाह मैं इसमें क्लियर करूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी में पहला जो टॉपिक है ना जो हमें कवर करना है, वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं पेपर में आएंगी, इंपॉर्टेंट का मतलब कि इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने अपने पास लिखी हुई है कि क्या क्या मैंने आपको बतानी है। सबसे पहली टर्म जो है, जो आपको काफी नजर आएगी इस प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर, वो होती है जिसको आप बोलते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट की टाइप रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यार देखो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके आपने कोई रिजल्ट निकालना है उसके अंदर से। डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो ज्यादातर कॉइन टॉस करने का डिस्कस कर रहे होंगे, डाई रोल करने का डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि काफी इजी होते हैं, समझ आ जाते हैं। इसी तरह कार्ड्स के बारे में कुछ हम कर लेंगे, ये बात आसानी से समझ आ जाती है इनकी। तो फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझने का सिंपल तरीका ये कि मैं बोलूं कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमने 10 दफा कॉइन को टॉस करना है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप इसको क्यों बोलोगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है कि जिसके अंदर आउटकम जो है ना, आपको पता हो कि यार सबसे पहली बात एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। मुझे पता है जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो दो आउटकम आएंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरीके से जो डाई होता है, जो लूडो में आप फेंकते हो, अब मुझे पता है उसमें आउटकम एक से ज्यादा होते हैं, मतलब वन भी आ सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो रैंडम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको पता नहीं होता कि जो आप करने लगे हो उसके अंदर क्या आउटकम आएगा। क्या आप डाई जब फेंकते हो तो आपको पता होता है कि थ्री आएगा? नहीं, फोर भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, वन भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, अच्छा फॉर एग्जाम्पल जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ना, और आप बोल रहे हो कि 10 दफा मैंने कॉइन को टॉस करना है, तो इसको आप ट्रायल बोलते हो। दूसरा वर्ड जो है ना इसी के अंदर मैं आपको सिखाने लगा हूं, वो है ट्रायल। ये जो वर्ड ट्रायल है ना, इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 10 दफा कॉइन टॉस करना है, तो हर दफा जब आप कॉइन टॉस कर रहे होते हो ना, उसको आप ट्रायल कहते हो। पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, करते करते कितने ट्रायल आपको करने? 10 ट्रायल करने। ये समझ लो कि कितनी दफा आपको रीडिंग लेनी है, आप ये समझ लो, तो इसको आप ट्रायल कह रहे होते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आप पहला ट्रायल करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन टॉस करना है, तो आपको नहीं पता क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसे दूसरी दफा कर रहे हो, अगेन आपको नहीं पता, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि जिसमें आप रिपीट करते जाओ बार बार, आप मतलब एक दफा भी परफॉर्म कर सकते हो, मतलब एक ट्रायल हो उसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। या रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज्यादा ट्रायल हो सकते हैं, कि 10 दफा आप कॉइन टॉस कर रहे हो, 100 दफा कॉइन टॉस कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल चीज क्या है कि आपको कंफर्म नहीं होगा कि यार जो मैं फेंकने लगा हूं क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, या अगर मैं डाई फेंक रहा हूं तो वन आ रहा है, टू आ रहा है, आपको कंफर्म नहीं है। और ये उसी वक्त होगा जब एक से ज्यादा आउटकम होंगे, तभी आपको कंफर्म नहीं होगा ना कि क्या आने वाला है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को आप कहते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो बातें आपने सीख ली, एक तो एक्सपेरिमेंट देख लिया कि यार आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, और परफॉर्म करके आप क्या कोई एक रिजल्ट निकालना चाह रहे होते हो। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला आपने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने ट्रायल भी समझ लिया कि ट्रायल क्या होता है, जितनी दफा वो एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर रहे हो, पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, ये सब चल रहा है। दूसरी जो टाइप होती है ना, उसको आप बोलते हो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसमें आपको 100% कंफर्म है कि ये चीज आएगी, और ये उसी वक्त होता है जब एक ही आउटकम हो। अच्छा मैं डेफिनेशन इनकी नहीं करा रहा, डेफिनेशन बच्चों आप लोग गूगल से मिल जाएगी, हर जगह से मिल जाएगी, असल चीज समझाना है, क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखवाने लग गया तो मेरा टाइम बहुत चला जाएगा। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका एक ही आउटकम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें, मैंने एग्जाम्पल लिखी होगी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है ना, मैं खुद बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेब फेंक रहे, आप इस तरह समझ लो कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो सेब फेंकना, आप इसके 10 ट्रायल करो, आप इसके 100 ट्रायल करो,
आप ये बात ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप सेब फेंकोगे नीचे जाएगा वो, आपको 100% कंफर्म है वो सेब नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। आप इसके जितने भी ट्रायल परफॉर्म कर लो, आप 100% श्योर कह सकते हो परफॉर्म करने से पहले कि यार ये चीज आने वाली है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर देने जाओ, आप बोलो मैं पेपर नहीं दूंगा अपना, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, मैं अपना पेपर नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 6 पेपर है, आप हर पेपर में नहीं जाते, आउटकम सेम ही है, फेल हो गया, आप 100% श्योरिटी से प्रोबेबिलिटी में आप इसको बोलते हो प्रोबेबिलिटी 1 है इसकी, 1 उस चीज की प्रोबेबिलिटी होती है जो 100% होती है। तो आप कह सकते हो भाई 100% ये चांस है कि अगर आप पेपर में नहीं जाओगे तो आप फेल हो गए। तो अब ये जो इवेंट है डिटर्मिनिस्टिक है, एक ही आउटकम होगा, पेपर नहीं दोगे तो फेल ही होगे, पास नहीं हो सकते आप इसके अंदर। तो ये इवेंट की एग्जांपल होगी डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसमें आप काफी वर्ड्स प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हो, आप ऑड्स भी कहते हो इसको, ODDS, ऑड्स का मतलब यही होता है प्रोबेबिलिटी। चांस का वर्ड भी आप यूज कर रहे हो, तो कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने ऑड्स है, या लाइकली भी आप कह सकते हो, लाइकलीहुड या लाइकलीनेस, कि कोई चीज होने की कितनी लाइकलीनेस है, कि यार ये चीज कितने चांसेस हैं इसके, या कितने ऑड्स हैं, या कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये डिफरेंट वर्ड्स आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हो, तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में यूज करूं तो समझ जाना मैं प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑड्स एक ही बात है सर, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अच्छा जो रैंडम, ये मैंने 3 टर्म्स आपको अभी तक सिखा दिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ना एक चीज होती है जिसमें आप जिसको बोलते हो बर्नौली एक्सपेरिमेंट, इसी के अंदर मैं सिखा देता हूं आपको बर्नौली एक्सपेरिमेंट। बर्नौली एक्सपेरिमेंट भी रैंडम ही होता है। ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट होता क्या है, देखो बर्नौली एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर 2 आउटकम होते हैं। अच्छा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 2 आउटकम हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे अगर मैं डाई फेंक रहा हूं तो ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट नहीं है, नहीं ये हो सकता है बर्नौली एक्सपेरिमेंट। आप कहोगे सर इसके अंदर 2 आउटकम तो नहीं होते, 2 आउटकम बेशक नहीं होते, आप 2 आउटकम बना सकते हो। कैसे, इसके अंदर ना आप 2 आउटकम बनाते हो, एक को आप बोलते हो सक्सेस, दूसरे को बोलते हो फेलियर। ये मैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डाई फेंक रहे हो तो मैं इसको बर्नौली में कन्वर्ट कर सकता हूं, है 6 आउटकम लेकिन मैं 2 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, मैं बोलूंगा अगर मैं डाई फेंक रहा हूं तो पहला आउटकम जिसको मैं सक्सेस कर रहा हूं यह है कि मेरे पास 2 आ जाए, ये आउटकम पहला इसको कंसिडर कर लो, इसको आप सक्सेस बोलोगे। सक्सेस मतलब जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, मैं इंटरेस्टेड हूं 2 आए, ठीक है, तो ये मेरी सक्सेस है। अगर 2 के अलावा कुछ और आएगा तो वो मेरा फेलियर होगा, ठीक है। तो आउटकम 6 है लेकिन मैंने इनको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, एक मेरे इंटरेस्टेड जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं और एक वो कैटेगरी जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसको आप सक्सेस फेलियर कहते हो। सक्सेस यहां, सक्सेस का मतलब सिंपल यहां पर जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक सक्सेस हो और एक फेलियर हो, मतलब आपने डिफाइन किया है कि अगर 2 आएगा तो सक्सेस है और 2 के अलावा कोई आएगा तो फेलियर है, तो इसको आप क्या बोलोगे, बर्नौली एक्सपेरिमेंट। 2 आउटकम है सक्सेस और फेलियर। हेड टेल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे हेड आए तो इसका मतलब सक्सेस है मेरी, टेल आए तो फेलियर है, ठीक है। तो अगेन ये भी बर्नौली बन सकता है। कोई और इवेंट आप परफॉर्म करो, आप सक्सेस फेलियर डिफाइन करो, सक्सेस जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, वो फेलियर हो जाएंगे। ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट होता है। बर्नौली एक्सपेरिमेंट की और भी एक खासियत होती है कि जब भी आप ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो सक्सेस सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1/6 होती है। मैं आप लोगों को निकालूंगा किस तरीके से निकालते हैं। तो जब भी आप ट्रायल परफॉर्म करोगे ना, ये जो सक्सेस है, डाई रोल करो और 2 आए, ये सक्सेस है ना आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी हर दफा सेम ही रहेगी। आप पहला ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। आप दूसरा ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। तो बर्नौली में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा सेम रहती है। इसके अलावा एक और चीज भी होती है कि बर्नौली के अंदर आपने ये फिक्स किया होता है पहले से कि कितने ट्रायल मैंने परफॉर्म करने हैं। मैंने 10 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, मैंने 5 ट्रायल करने हैं, मैंने 20 ट्रायल करने हैं, ऑलरेडी आप फिक्स कर देते हो। तो ये 2-3 खासियतें हैं जो बर्नौली एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आती है। बाकी जो टॉपिक है वो बहुत ही डाइवर्ट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स की तरफ, तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दे दिया। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ये भी चीज आ जाती है। तो ये समझ लो मैंने टोटल 4 टर्म्स आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बर्नौली एक्सपेरिमेंट हो गया, सही है। उसके बाद एक ट्रम आपको नजर आएगी जिसको आप कहते हो आउटकम। ये भी ट्रम आपको काफी नजर आएगी। आउटकम क्या होता है, देखो आउटकम समझने के लिए बहुत इजी है। आउटकम का मतलब ये है कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो क्या रिजल्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाई को रोल कर रहा हूं तो क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो मैं बोलूंगा कि 6 आउटकम है इसके अंदर, मैक्सिमम 6 आउटकम है। 6 आउटकम से ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता ना, 7 तो नहीं आ सकता ना, 10 तो नहीं आ सकता ना। तो आउटकम क्या होते हैं कि भाई जब आप एक ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है,
ये नहीं कि क्या आया है भाई, आप जब एक डाई फेंकोगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, वन से लेके सिक्स तक कुछ भी आ सकता है। तो उसको आप बोलोगे आउटकम, कि ये आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। तो आउटकम क्या होता है, जब आप ट्रायल परफॉर्म किया तो क्या आपके पास रिजल्ट आ सकता है, उसको आप आउटकम बोल देते हो, ठीक है। चौथी टर्मिनोलॉजी इसके बाद ही पढ़ाई जाती है, वो है सैंपल। अच्छा, इसको आप सैंपल पॉइंट भी कहते हो, वो आपको समझ आ जाएगी सैंपल पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको। सैंपल स्पेस समझ लो ना पहले, सैंपल स्पेस के बारे में देख लेते हैं। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस बेसिकली बच्चों एक सेट होता है, ठीक है, ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे आउटकम्स आपने लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डाई रोल कर रहा हूं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इसका ये होगा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं इसकी, सैंपल स्पेस ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस में सारे आउटकम कवर हुए हैं, जब आप एक डाई फेंकोगे तो आपके पास यही आउटकम आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो सैंपल स्पेस बेसिकली एक सेट होता है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो आ सकते हैं वो सब उस सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को आप आउटकम बोलोगे ना, जैसे 5 जो है एक आउटकम है, 4 आउटकम है, 3 आउटकम है, तो इसको सैंपल पॉइंट भी बोला जाता है। मैंने बोला था ना कि आउटकम को आप सैंपल पॉइंट भी बोलते हो, उसकी वजह यह कि ये पूरा सैंपल स्पेस है ना, इसका हर एक एलिमेंट को बेसिकली बोल सकते हो सैंपल पॉइंट। 1 जो है सैंपल पॉइंट है, 2 सैंपल पॉइंट है, 4 सैंपल पॉइंट है। तो सैंपल पॉइंट इतना वर्ड यूज होता नहीं है, आउटकम हम बोल देते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा, अगर आप देखो तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चीज आ रही है। तो सैंपल स्पेस कवर कर दिया मैंने, आउटकम और सैंपल पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी आने वाली है, ये जो मेन मेन चीजें थी ना मैंने आपको बताई है, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और वो है इवेंट्स। ये मैं कहां पे लिखूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से केसेस हैं, बहुत से टाइप्स हैं इसकी। अब ये वर्ड इवेंट जो है इसको जरा समझते हैं, इवेंट क्या होता है। ये आपको मैंने कॉम्बिनेशन परमुटेशन काउंटिंग प्रिंसिपल में इवेंट का वर्ड मैंने बहुत यूज किया था। इवेंट जो है ना यार, आप ये समझ लो सिंपल, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आप सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट निकाल लो उसको आप इवेंट बोलोगे। अब इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। मैं डाई फेंक रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इवेंट यह है कि इवन नंबर आए। मैंने इवेंट को क्या डिफाइन किया कि इवन नंबर आए कोई, ये एक मेरा इवेंट है, ठीक है। इसी तरह मैं बोलूं कि अगर मैंने डाई फेंका तो इवेंट क्या है, ऑड नंबर आना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इवेंट जो है वो है कि इवन नंबर आना, ये मैंने इवेंट डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट ए जो है वो क्या है, इवेंट ए है कि इवन नंबर कोई आए, ठीक है। और मैं दूसरा इवेंट डिफाइन करता हूं इवेंट बी, जिसका वो इवेंट क्या है कि ऑड नंबर आए, ठीक है। तो इनको आप इवेंट बोलोगे। अगर आप देखो इस इवेंट को, ये जो पहला इवेंट है कि इवन नंबर आए, इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, मतलब कितने आउटकम इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, वो ये हैं 2, 4, 6। अगर आप एक डाई फेंकोगे तो इवन नंबर आना 3 तरीके से आ सकता है, या तो 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो अगर ऑब्जर्व करो इस इवेंट के अंदर जो भी आउटकम है वो बेसिकली सबसेट है ना इसका। तो मैंने शुरू में क्या बोला था, सैंपल स्पेस का आपने एक सबसेट कंसीडर करना होता है, तो ये आपने सबसेट ही कंसीडर किया होगा। इसी तरीके से इवेंट बी मैंने क्या बोला है कि ऑड नंबर आना, बस मैंने इसको इवेंट बोल दिया ना एक, कि यार ये चीज मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो ऑड नंबर आना, एक इवेंट है ये। तो इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, इसके अंदर 3 आउटकम आ रहे हैं। ऑड नंबर 3 तरीकों से आ सकते हैं, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंट एग्जाम्पल में आप इवेंट कुछ भी डिफाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यार मैंने डाई फेंका और इवेंट है कि 4 से कम आना। मैंने डाई फेंका, इवेंट क्या है, कोई भी नंबर आए जो 4 से कम हो। अब इस इवेंट को भी कितने केस फेवर कर रहे हैं, 3, 1, 2, 3, इस इवेंट के अंदर ही 3 आउटकम आएंगे, क्योंकि 3 नंबर है जो 4 से कम होते हैं, 1, 2, 3। जब भी आप एक डाई फेंकोगे तो 4 से कम नंबर जो आएंगे वही 3 ही केस हो सकते हैं, या तो 1 आ जाएगा, या 2 से आ जाएगा, या 3 आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इवेंट सी क्या है, लेस देन 4 आना। क्या मैं डाई फेंका, आपके पास कोई भी लेस देन 4 आते हैं। कहने का मकसद ये कि आप इवेंट कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, मर्जी आप कुछ भी, यहां पे कुछ भी इवेंट बोल देते हो आप, तो उसके अंदर होगा क्या, आउटकम्स होंगे। कहां से आउटकम आएंगे, सैंपल स्पेस से। ये जितने मैंने 3 लिखे हैं ये सैंपल स्पेस ही तो आए ना, तो आप इसको क्या बोलोगे, इवेंट की मतलब डेफिनेशन आपको क्या नजर आएगी, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट की एक कैटेगरी होती है, इवेंट की एक टाइप है। इसी इवेंट में एक ऐसा भी होता है जिसको आप बोलते हो एलिमेंट्री इवेंट। बाकी टाइप थोड़ी अलग है, मैं अभी एलिमेंट्री इवेंट का बता देता हूं, ये थोड़ी डिफरेंट चीज है। एलिमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट होता है कि जिसके अंदर एक ही आउटकम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, इवेंट फॉर एग्जाम्पल डी है लेस देन 2,
मैंने इवेंट क्या डिफाइन किया कि अगर आप एक डाई फेंको तो इवेंट डी क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर लेस देन टू आए, अब इस इवेंट के अंदर एक ही आउटकम होगा और वो क्या होगा, वन। भाई लेस देन टू एक ही तरीके से आ सकता है, जब आप डाई फेंकोगे ना तो लेस देन टू एक ही नंबर है वो है वन, या आप इस तरह बोल सकते हो ग्रेटर देन फाइव, जब आपने डाई फेंका ग्रेटर देन फाइव आए तो आपको पता है ग्रेटर देन फाइव सिक्स ही है बस, इसके अलावा डाई में और कोई नहीं आ सकता। तो ये जो इवेंट होगा क्या कहलाया जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट, कि इसके अंदर भाई एक ही आउटकम है, एक से ज्यादा नहीं है। तो इवेंट के अंदर आप ये टाइप देख लो कि आप इसको बोल दोगे एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अब इवेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, आप जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहली टाइप जो है ना वो यहां पर क्या है, वो है म्यूचुअली, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किन इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलोगे? तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो वाले होते हैं, मैंने कुछ स्पेसिफिक एक एग्जांपल लिखी हुई स्पेसिफिक, बाकी मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट, यार ये बताना का मकसद है, मेहनत मैंने पॉइंट लिखे होते हैं कि यार पहले ये चीज बतानी है फिर ये चीज बतानी है ताकि पूरे ऑर्डर में बात आपको समझ आए। इसके बाद मुझे पता है मैंने एक्सक्लूसिव बताना है, नहीं एग्जॉस्टिव बताना है, उसके बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है एक चीज से, तो दैट्स व्हाई मैं तरतीब से पूरे बता रहा था। इसके अंदर मैं तरतीब नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने जहन में बना लिया था कि यार नहीं ये तीन एक साथ ही बताने हैं मुझे, खैर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है ना पहले। खैर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ऐसे इवेंट्स जो एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। बहुत एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी जब मैं काउंटिंग प्रिंसिपल बता रहा था, अभी भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इवेंट ए और बी लिखे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि आपने डाई फेंका आपके पास इवन नंबर भी आ जाए और ऑड नंबर भी आ जाए? नहीं। अगर आप डाई फेंकोगे या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। आपने डाई फेंका थ्री आया तो ये इवेंट बी है, आपने डाई फेंका सिक्स आया ये इवेंट ए है, ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। तो इन दोनों इवेंट को आप क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक और एग्जाम्पल, आपने कॉइन टॉस किया, इवेंट ए है हेड आना, इवेंट बी है टेल आना, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि आपने कॉइन टॉस किया आपके पास हेड भी आ गया टेल भी आ गया? नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगेन इन दो इवेंट्स को आप क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसी तरीके से इवेंट है पास होना, इवेंट बी है फेल होना, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं, या तो पास हो गए या फेल हो गए, अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो डिफरेंट, अच्छा इसको डिसजॉइंट इवेंट्स भी आप कहते हो, दोनों वर्ड मैं लिख देता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या आप इसको डिसजॉइंट भी कहते हो। डिसजॉइंट सेट की लैंग्वेज में, कि आपने पढ़ा था ना डिसजॉइंट सेट कौन से होते थे कि जिनमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं आता था, कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होता था। तो ऑब्जर्व करो इवन एंड ऑड नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो सेट की लैंग्वेज में आप इनको सेट के हिसाब से बात करो तो डिसजॉइंट इवेंट भी आप बोल देते हो। अच्छा ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो वो कौन कौन से, जिनमें कुछ आउटकम सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इवेंट ए को ले लो और इवेंट सी को ले लो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये दो ये इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डाई फेंका आपके पास टू आ गया, तो ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो गया, एक इवन नंबर है टू, और ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो गया लेस देन फोर, टू जो है वो लेस देन फोर है, इसका मतलब ए और सी एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में इनके आउटकम कुछ कॉमन है, टू और टू ये कॉमन आउटकम है इनके, तो इवेंट ए और सी क्या कहलाया जाएगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसी तरीके से आप बी और सी को कंसीडर करो, अगेन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्यों, दो आउटकम इनके सेम है वन और थ्री, तो ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। ये नहीं कि हर मतलब हमेशा एक साथ परफॉर्म होंगे, कुछ चीजों में एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर थ्री आ गया तो थ्री ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो गया, ये वाला इवेंट परफॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल टू आ गया तो टू में ये वाला इवेंट परफॉर्म हो रहा है ये नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आपने सब आउटकम देखने होते हैं कि सब में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर कोई एक भी कॉमन है ना तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा केस होगा जिसमें वो एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे, तो एकदम से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगे वो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये है कि वो हमेशा हो ही नहीं सकते एक साथ। तो इस सेट इस इवेंट को देखो, इस इवेंट को देखो, तो आप ये बोल सकते हो म्यूचुअली नहीं है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। और आखिरी एग्जांपल मैं आपको कार्ड से देता हूं जो मैंने लिखी हुई थी, कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि एक इवेंट है, मैं इवेंट को डिफाइन कर देता हूं, कि आप बोलो कि एक इवेंट है, चलो तो यहां लिख देते हैं, इवेंट ए आप कह लो हार्ट आना, क्या आपने कार्ड उठाया आपके पास हार्ट हो, और इवेंट बी है किंग आना,
ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? नहीं है। क्यों? एक आउटकम इनका ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट के ना 13 कार्ड होते हैं और किंग के 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। एक केस ऐसा है जिसमें सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किंग ऑफ हार्ट उठा लिया तो दोनों इवेंट परफॉर्म हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था ना कार्ड्स के अंदर 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड के अंदर 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। तो जो 13 हार्ट वाले कार्ड है ना उसके अंदर एक किंग होता है, तो अगर आपने वो वाला कार्ड उठा लिया तो वो किंग भी है और वो हार्ट भी है, तो ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो गए, हार्ट भी आ गया किंग भी आ गया। बाकी जितने केसेस हैं उसमें एक साथ परफॉर्म नहीं हो रहे, मतलब उन 13 कार्ड में से 13 जो हार्ट के कार्ड है उसमें से कोई भी आप 12 उठा लो, किंग वाला ना उठाओ, कोई भी 12 उठा लो, और किंग के जो 4 कार्ड होते हैं, मतलब एक किंग डायमंड का होता है, एक किंग स्पेड का होता है, एक किंग क्लब का होता है, ये 3 उठा लो आप, ये अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। लेकिन एक आउटकम इनका सेम है, वो है किंग ऑफ हार्ट। तो एक भी अगर सेम होना तो आप फिर उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकते। तो दैट्स व्हाई ये दो इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर किसी एग्जाम्पल में आपने इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल क्वीन, ये जो केस है ये दोनों जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्यों? एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता आपने कार्ड उठाया वो क्वीन भी है ये किंग भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये क्या कहना चाहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं काफी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। अब दूसरी कार्ड जो हमने पढ़नी है वो क्या कहलाती है? एग्जॉस्टिव इवेंट। ये एग्जॉस्टिव सेट भी होते थे, एग्जैक्ट जो सेट में आप पढ़ते थे ना वही डेफिनेशन इनकी भी यही है, एग्जैक्ट वही है, बस इवेंट के सेंस में आप इसको बोलोगे। अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट ये होते हैं, इनको दो तरीके से मैं डिफाइन करूंगा, कि ऐसे इवेंट जिनका जब आप यूनियन लो तो आपके पास सैंपल स्पेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इवेंट ए को देखो, आप इवेंट बी को देखो, ये मैं सेट की लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं। अगर आप इनका यूनियन लोगे तो आपके पास आउटकम आ जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस पूरा आ जाएगा 2, 4, 6 और 1, 3, 5। जब यूनियन लोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई थी, मैं डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी दूसरी डेफिनेशन भी थी, उस तरीके से भी आप समझा सकते हो बात को। इसमें था हाँ कि व्हेन टू और मोर इवेंट्स फ्रॉम व्हेन टू एंड मोर इवेंट्स फॉर्म द सैंपल स्पेस कलेक्टिवली देन इट इज नोन एन एग्जॉस्टिव इवेंट। कि जब दो इवेंट या 3 भी हो सकते हैं, आप ऐसा भी कंसिडर कर लो कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऐसे हम रेंडम इवेंट बनाते हैं, तो एक इवेंट है 1, 2 आना, एक इवेंट है 2, 3, 4 आना, एक इवेंट है 4, 5, 6 आना। अगर आप इसमें से कोई भी दो इवेंट को पकड़ोगे तो वो एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। क्यों? अगर आप इनको पकड़ो, इनका यूनियन जो है वो होगा 1, 2, 3, 4, सैंपल स्पेस तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस इवेंट और इसको पकड़ो, 1, 2 और 4, 5, 6, अगेन 3 मिसिंग है, यूनियन लोगे ये सैंपल स्पेस नहीं आएगा। आप इन दो को पकड़ो, अगेन 1 मिसिंग है। इसका मतलब अगर आप किसी भी दो को पकड़ो तो वो एग्जॉस्टिव नहीं है यहां पे। जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास पूरा सैंपल स्पेस नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप तीनों को कंसीडर करो तो अब तीनों को कलेक्टिवली आप एग्जॉस्टिव बोलोगे, क्योंकि जब तीनों का यूनियन लोगे ना तो आपके पास सैंपल स्पेस आ रहा होगा। और इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपस में वो डिसजॉइंट हो। फॉर एग्जांपल ये आपस में डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन है, इसी तरह ये आपस में डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये कोई शर्त नहीं है कि इसमें आपस में डिसजॉइंट हो। शर्त ये है कि जिन ग्रुप को आप बोल रहे हो एग्जॉस्टिव, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो ए बी सी ये एग्जॉस्टिव है, तो फिर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ग्रुप आप कंसिडर कर रहे हो, 2 सेट का कर रहे हो, 3 सेट का कर रहे हो, 4 सेट का कर रहे हो, असल चीज है कि उनका यूनियन जो है वो बराबर होना चाहिए सेंट्रल स्पेस के बराबर। तो एक तो समझाने का तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल आप इन दो इवेंट को कंसीडर करो, जैसे मैंने बताया कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, आपको ये भी एग्जांपल नजर आएगी कि ये इस तरह समझाया जाता है एग्जॉस्टिव को, कि यार ऐसे इवेंट जिसमें से एटलीस्ट एक लाजमी परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि अगर कोई 2 इवेंट एग्जॉस्टिव है या 3 इवेंट एग्जॉस्टिव है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ना तो एट अ टाइम एटलीस्ट एक इवेंट परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन 3 इवेंट को कंसिडर करो, इन तीनों में से एट अ टाइम एक तो लाजमी सेटिस्फाई हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम फेंका, आपके पास 6 आ गया, तो ये इवेंट सेटिस्फाई हो गया, एटलीस्ट एक इवेंट लाजमी सेटिस्फाई होगा अगर वो एग्जॉस्टिव है तो। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम फेंका, 2 आ गया, और 2 में देखो ये इवेंट भी हो रहा है, ये इवेंट भी हो रहा है, एटलीस्ट एक तो लाजमी सेटिस्फाई होगा। तो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं ना उसमें अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो एटलीस्ट एक इवेंट लाजमी सेटिस्फाई हो रहा होगा, तभी वो एग्जॉस्टिव होंगे, क्योंकि उन्होंने सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स कवर किए हुए होंगे ना, तो जो भी आउटकम आएगा वो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दो को पिक करते हो, अब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, एक तो आप समझ सकते हो कि इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, दूसरे एंगल से आप समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्स आ गया, अगर सिक्स आ गया तो इसमें से दोनों इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहे, जबकि एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन क्या थी ये भी लिखी हुई है कि टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर इज अ सर्टेन चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम व्हेन दे आर ऑल कंसीडर्ड टुगेदर, कि अगर आप इन सबको कंसीडर करो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो एटलीस्ट एक लाजमी परफॉर्म होगा, अगर कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा इसका मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। तो अगर आप इन दो को कंसीडर करोगे एग्जॉस्टिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फाइव आ गया तो फाइव अगर आएगा तो कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है इसमें से, तो ये चीज बता देगी कि इवेंट क्या है एग्जॉस्टिव।